नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चीनी मीडिया ने भारत से किया अनुरोध, कहा पाकिस्तान से सभी मतभेद भुलाकर सीपीईसी का हिस्सा बने भारत। पाक के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरकर ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाले आर्थिक गलियारे का विरोध कर रहा है भारत। आईसिस ने फिर दिखाई हैवानियत, सीरिया में तुर्की के दो सैनिकों को जिंदा जलाने का वीडियो किया जारी। 10 मिनट के इस वीडियो में तुर्की को खत्म करने की दी धमकी। दक्षिणी मलेशिया में पहाड़ी से खाई में गिरी बस, 14 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों को चेताया, कहा मिस्टर जॉर्डन की यात्रा करना जोखिम भरा, इसलिए यहां की यात्रा करने से बचें। दोनों देशों में पिछले काफी समय से हो रही है आतंकी घटनाएं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, फिलिस्तीन में अवैध इजरायली बस्तियों को खत्म करने के लिए पास किया प्रस्ताव, अमेरिका ने मतदान में हिस्सा लेने और वीटो करने से किया इनकार। और रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री फेस्कोव का दावा, रूस नहीं होगा हथियारों की दौड़ में शामिल, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियारों के विस्तार से नहीं पड़ता कोई फर्क। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।